Hey guys, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया ही होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बात करें हम अपने टॉपिक की तो नियर अबाउट हमने लास्ट लेक्चर में 75-80% हमने सिलेबस क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बचा क्या? मतलब कैलकुलस, जो हमारे मोस्ट वेटेज सेक्शन है, मतलब जो बहुत ज़्यादा ही वेटेज इनका है, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो वही था, और उससे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किया ही था। तो अब जो टॉपिक बचे हैं उनको देख लेते हैं, जो ज़्यादा अच्छे, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। वेक्टर 3D है अभी हम जो डिस्कस करेंगे, आज वेक्टर 3D देखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, बायनोमियल है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, उसके बाद आपका वही सेट रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, यही सब है छोटे मोटे। ठीक है, तो उनको तो एक ही लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। बात है ये वेक्टर 3D और जो बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बचे हैं उनको देखते हैं लास्ट, मतलब 6-7 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा। आपका जेई मेन का एग्ज़ाम भी जो है वो आ रहा है फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर से, फर्स्ट वीक में, सेप्टेम्बर में फर्स्ट वीक में। कोई ना, प्रिपरेशन करते रहो, जो भी होगा बीच बीच में तो मैं आपको बताते ही रहूँगा कैसे क्या करना है। बीच में क्या, 6-7 दिन मिलेंगे मेरे सिलेबस कम्प्लीट करने के बाद, क्योंकि मैंने 1 महीने का टाइम लिया था आपसे, और मैंने लेक्चर जो है मैं नियर अबाउट 22-23 लेक्चर, 24 भी ले सकता हूँ, इन इतने लेक्चर में मैं पूरी मैथ्स खत्म कर रहा हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो, और सिंगल लेक्चर मेरा 1 आवर का है, तो देखा जाए तो 24 आवर्स, मतलब एक दिन 25 आवर्स को ले लो, 25 आवर्स में मैं पूरा जो है मैथमेटिक्स, कभी कभी वीडियो लंबे भी हो जाते हैं, इसलिए 25 आवर्स में मैं पूरी मैथमेटिक्स कम्प्लीट कर रहा हूँ IIT JEE Mains। ठीक है, कोई ना, इसको तो कम्प्लीट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है, वेक्टर है 3D। पहले हम वेक्टर देखेंगे, फिर 3D भी देखेंगे बाद में, 3D हो सके नेक्स्ट लेक्चर में देखना पड़ेगा, लेकिन अभी वेक्टर देखते हैं। ठीक है, तो आज किसकी बात करेंगे हम, वेक्टर। टॉपिक क्या है? वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स एंड 3D है, लेकिन हम पहले देखेंगे वेक्टर्स, फिर 3D को देखेंगे। ठीक है, पहले हम आज क्या देखेंगे, वेक्टर्स देखेंगे, फिर 3D तो हम अगर इस लेक्चर में हो जाता तो देखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बात करें वेक्टर है क्या, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स का जब फिजिक्स जब आप 11th में एंट्री मारते हो, मतलब 10th के स्टेज से जैसे ऊपर लेवल पे आते हो, तो सीधे आपको पहले तो मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर जैसे ही काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हो आपको वेक्टर का जो ज्ञान आना चाहिए, मैकेनिक्स जब आप स्टार्ट करते हो तो वेक्टर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसी पे पूरा बेस्ड होता है। वेक्टर में होता क्या है? डायरेक्शन। तो वेक्टर एक्चुअली, पहले बात देखते हैं वेक्टर है क्या। वेक्टर, अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो वेक्टर्स जो है हमारे वो फिजिकल क्वांटिटीज, बात समझ, मतलब हम ये वेक्टर हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी को जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला है वेक्टर, सेकंड है स्केलर, बात समझ रहे हो। तो इनको तो अभी डिफिनीशन देखते हैं हमारी, और मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर को एक सिस्टम मान लिया जाए, मैथमेटिक्स में क्यों लाया गया इसको, फिजिक्स में इसका यूज है, तो मैथमेटिक्स में क्यों लाया गया, ध्यान देना, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में जब आप आगे भी पढ़ोगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा ही रोल है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं वेक्टर, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है ये, और ये मेनली यूज क्यों किया जाता है, डायरेक्शन को बताने के लिए, इसका उसका जो है परिमाण बताने के लिए, मैग्नीट्यूड जिसे बोलते हैं वो बताने के लिए, जो जिसके पास दोनों होती है वही वेक्टर होता है, मतलब तो वो तो अभी बात करेंगे हम उसके डेफिनेशन पे। तो एक तरह से इसको मैथमेटिकल सिस्टम देखा जाए तो मैथमेटिकल सिस्टम है एक प्रकार का ये, और उस सिस्टम में जहाँ पे हमें मैकेनिक्स की बात करते हैं हम वेक्टर में, तो बिना इसके जो है मैकेनिक्स में काम नहीं होने वाला। ऐसे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपनी ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री में भी हम देखेंगे अभी वेक्टर एंड 3D इसीलिए चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो बात किसकी मैं किया, मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात किया, फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है हमारा वो है वेक्टर क्वांटिटी, और सेकेंड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटीज, बात समझ लो। बात करूं मैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ध्यान देना,
जिसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों हो, जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हो, और ये जो है एडिशन लॉ का लॉ को फॉलो करें, जो एडिशन लॉ को, वेक्टर के एडिशन लॉ को जो मैं बताऊंगा अभी उसको फॉलो करें, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती। और भी बताऊंगा अभी, एलएसएस आपको बताऊंगा, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है बट हमें डायरेक्शन का जो है ज्ञान नहीं है, बात समझ लो। टू हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। मैं बात करूं एग्जांपल की अलगी, तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे हो गया हमारा वेलोसिटी, हो गया वेलोसिटी की क्या बात, वेलोसिटी का जैसे मैंने कहा कि 3 किलोमीटर पर घंटे से वो जो है आगे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन भी है और इसका जो है एग्नीट्यूड भी, बात समझो। फोर्स को देख लो, फोर्स भी है, आगे पीछे कैसा लग रहा है, ठीक है। बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो मास, मास की बात कर देते हैं, ठीक है। मास के पास डायरेक्शन नहीं है, मास के पास डायरेक्शन नहीं है, डेंसिटी की बात कर लेते हैं, बात समझ लो, इसकी बात कर लेते हैं, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो ये है इसके, जिसके पास यहाँ पे क्या बात है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों और एडिशनल लॉ मतलब जो है उसको फॉलो करें, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो, दैट इज द स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मैं अभी ये बताया कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो जाते हैं, जैसे रिजिड बॉडी का मैं एंगल की बात करूँ, वहाँ पे हम निकालते हैं उसका, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन एडिशनल लॉ ऑफ फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, बात समझ लो ना। मैं बात करूँ करेंट की, मैं बात करूँ करेंट की, तो करेंट जो भी है हमारा, करेंट भी क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एडिशनल लॉ ऑफ फॉलो नहीं करती, बात समझ लो ना। इसलिए बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा, अब मैं आऊंगा अपने चैप्टर, ये तो मैंने वेक्टर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ये मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। मैं बात करता हूं अपने चैप्टर पर, तो चैप्टर हमारा क्या है, ठीक है। वेक्टर की बात करने से पहले, वेक्टर की बात करने से पहले हम इस पे जानेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में, अगर क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है इसका, ये सब आपको पता करना है, यही सब पढ़ना है इसमें, कुछ है नहीं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, होती क्या है, पहले इसको समझेंगे फिर बाद में देखते हैं क्या। मैं बात करूं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या, देखो मैंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है और उसको जो है हमें उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई उसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं इसी स्ट्रेट लाइन में कोई ऐसे दो पॉइंट ले ले रहा हूं जो इस सेगमेंट, इस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन में मैंने कोई ऐसे दो पॉइंट ले लिए जिनका कोई एक इनिशियल पॉइंट है, कोई एक टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, उसको इन पॉइंट नहीं बोलेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में उसे टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। मैंने कहा इसको ए बोल दिया, मैंने इसको बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, बात समझ रहे हो, इसको ए बोला, इसको बी बोला। फिर मैंने कहा कि इसमें मैं इसको अगर बोल दूं कि इस स्ट्रेट लाइन में हमारी लाइन सेगमेंट कितनी है, ए बी है और क्या है, बी ए भी है। अभी क्योंकि हमें डिसाइड नहीं है कौन इनिशियल पॉइंट है, कौन टर्मिनल पॉइंट है, जहां से वो स्टार्ट करेगा वेक्टर यहीं से आ रहा है। वेक्टर मतलब अगर मैं वेक्टर ए बी की बात करूं, वेक्टर का जो जिससे हम दर्शाते हैं वेक्टर को, वो जिस वेक्टर के जैसे ए वेक्टर है उसके ऊपर ऐसा मार्क लगा है, तीर का मार्क, बात समझ में
कभी कभी ऐसे प्लेन मार भी लगा, ठीक है। तो वेक्टर ए बी को जैसे फॉर्म करना है, तो उसके लिए वेक्टर ए बी में ये जो ए होता है वो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, और बी जो होता है वो हमारा टर्मिनल पॉइंट। बात समझ रहे हो, मतलब कहां से कहां तक जा रहा है। मतलब अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए टू बी होगा, मतलब ए हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और क्या होगा, बी हमारा टर्मिनल। मैं बात करूं अगर बी ए वेक्टर की, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा तो बी हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, बी हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और क्या होगा, ए हमारा क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। ये है वेक्टर की डिफरेंस। बात समझ लो, लाइन सेगमेंट से देखते हैं, ए टू बी गया, ये डायरेक्शन हुई तो हमारा ए इनिशियल पॉइंट हुआ, बी टर्मिनल पॉइंट हुआ, तो ए बी वेक्टर हुआ। बात समझ रहे हो, मैंने कहा इनिशियल पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट बी हुआ और टर्मिनल पॉइंट ए हुआ, तो बी ए वेक्टर हुआ। बात समझना, मैं बात करूं अगर इनकी लेंथ की, इनकी लेंथ कितनी होगी, तो इनका मैग्नीट्यूड इनका लेंथ कहलाएगा। मैं बात करूं लेंथ ऑफ ए बी, मैं बात करूं लेंथ ऑफ ए बी या बी ए, तो जीरो होंगे, इनका दोनों का जो लेंथ होगा ए बी का मैग्नीट्यूड इन्हीं का वो इक्वल होगा। पहली बात को जानिए, बात समझ लो, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये थी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्या थी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैं बात करूंगा तीन चीजों की बात करूंगा, यहाँ पर मैं तीन चीजों की बात करूंगा जो वेक्टर को, मतलब वेक्टर को कैसे पहचानना है, भाई जड़ी बूटी है तीन, अगर वो तीन चीजें हैं तो मान लेना ये वेक्टर ही है, ये वेक्टर ही क्वांटिटीज है। अगर कैसे देखना है, मतलब किस उसकी डायरेक्शन को कैसे देखना है, बात समझ लो ना, मतलब मैं वो जान लेना कि कोई लाइन सेगमेंट दी हुई है तो वो वेक्टर कब होगी, तो वो वेक्टर तभी होगी, वो लाइन सेगमेंट को वेक्टर से कैसे हम कब डिनोट करेंगे, तो उसके लिए तीन इसेंशियल पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, थ्री इसेंशियल पॉइंट। जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म देता हूं LSS, क्या बोलता हूं LSS, मतलब पहली बात मैं करता हूं लेंथ, L स्टैंड फॉर लेंथ। अगर 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 लेंथ का जो हमारा लेंथ जो है मैग्नीट्यूड AB इज इक्वल टू BA है पहली बात, तो हमारा उस लाइन से, वो लाइन सेगमेंट पहली कंडीशन क्या हो, लेंथ उसकी जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो छोड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं इसकी S स्टैंड फॉर समरूप, लाइन सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है लेकिन उसकी इनफाइनाइट, मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन कहां से कहां जा रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस लाइन सेगमेंट में वो वेक्टर कहां से किस पॉइंट तक जा रहा है वो सपोर्ट हमें बताना चाहिए उस स्ट्रेट लाइन के थ्रू। बात समझ रहे हो, तो वो भी होना चाहिए, मतलब मैंने कहा इस स्ट्रेट लाइन में मैंने ए और बी पॉइंट लिया, तो बात समझ रहे हो, तो इस डायरेक्टेड सेगमेंट में मैंने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या किया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में, तो मैंने एक पॉइंट ले, दो पॉइंट ले, जिसके जिसके पास इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्टली बात करूं जिसके पास इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट होता है, बात समझ में आई थी ये सब। मैं तीसरी बात करूंगा सेंस, सेंस क्या, ठीक है, सेंस है डायरेक्शन। इफ यू नो द डायरेक्शन, मतलब मैंने कहा ए बी, भाई यहां पे बात करूंगा इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ए बी, अगर इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट जा रहा है तो जो इनिशियल पॉइंट का पॉइंट है वहां से लेकर वो वेक्टर होगा, तो हमारा ए बी वेक्टर, और जो हमारा वहां से आ रहा है और दूसरा हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सेंस है, पहचानना है कि डायरेक्शन क्या है मैग्नीट्यूड के साथ। ये तीन चीजें का लाइन सेगमेंट में मिलती हैं, तो ये समझ लेना ही बेहतर है। मतलब बात करूं मैं अब स्केलर की, तो ध्यान देना, एनी रियल नंबर इज स्केलर, कोई भी रियल नंबर क्या होगा, स्केलर होगा। रियल नंबर तो जान ही रहे हो, तो जो रियल नंबर होगा वो स्केलर होगा। बात समझ में आ गई, ये थी वेक्टर और स्केलर की डिफरेंस। अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। जनरली इनको टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, पहला है फ्री वेक्टर्स, दूसरा है लोकलाइज्ड। Thank you.
वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना, इनिशियल पॉइंट नॉट फिक्स, बात समझ रहे हो? मतलब ये फ्री स्पेस में इनका पता नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ पता है हमें, लेकिन ये फ्री स्पेस में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसे पता ही नहीं कुछ, इनका फिक्स ही नहीं इनिशियल पॉइंट। मैंने कहा ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है सी, बात समझ में। अब मैं इनको मिलाना चाहूँ तो मैं इनको मिलाना चाहूँ, ध्यान देना है, रिनोट करना पड़ेगा, ठीक है? क्या वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बना सकता हूँ क्या? तो फ्री स्पेस में जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं, लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं, इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स, इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है? जैसे मैं टॉर्क की बात करता हूं, मैं कहा कि ये कोई एक्सिस है, पी कोई पॉइंट है, ये वेक्टर है ए, ले लिया मैंने, इसका पी पॉइंट फिक्स है, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स है, दैट इज द वेक्टर विच वी कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है? तो ये मैंने इसकी किसकी बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। बात करूं मैं इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स की, अब दो वेक्टर कब इक्वल, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स की बात करूं कि दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, तो देखिए इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स के लिए तीन चीजें, पहला सेम लेंथ, जो मैंने आपको बताया था एलएसएस, दूसरा सपोर्ट, जो एक ही साइड का हो, एक ही लाइन पे हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, तीसरा सेंस, डायरेक्शन जो सेम, बात समझ रहे हो, ए टू बी है तो ए टू बी है, बात समझ रहे हो, ये तीनों कंडीशन अगर जो है सेटिस्फाई कर रही हैं तो इक्वल होंगे, क्या होंगे, वेक्टर क्या होंगे, इक्वल, मतलब सेम सेंस होना चाहिए, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, सेम सेंस, क्या होगा ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का इक्वल होगा, सेम लेंथ हो, सपोर्ट हो, उनका जो है स्ट्रेट लाइन पे सेम हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो और सेम सेंस हो, तो दोनों वेक्टर क्या कहेंगे, इक्वल। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स और इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स हमें समझ में आ गया। अब हमारी मेन अलजेब्रा स्टार्ट हो, वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है मेन चीजें अब स्टार्ट होंगी वेक्टर्स, ठीक है? चलते हैं उस पर, ठीक है? अब ये हमारा वेक्टर्स का पूरा इंट्रोडक्शन समझ लो खत्म, सीधे हम चलते हैं उसकी अलजेब्रा पे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? थ्री वेक्टर्स, फोर वेक्टर, वही एडिशन की बात करेंगे, ठीक है? चलते हैं, अब मैं बात करूंगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताते हुए चलूंगा। यहाँ पे देखो, वैसे तो हम दो तरह के इसमें दो रूल से ऐड करते हैं, पहला पैरेलल ट्रायंगल रूल होता है हमारे पास और पैरेलल ग्राफ रूल होता है, तो वो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। मैं अगर सीधे बोलूंगा यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और कोई वेक्टर बी दिया हुआ है तो उनका सम जो होगा वो होगा ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है? मतलब मैंने कहा कि ये कोई वेक्टर हमारा ए है और ये कोई वेक्टर हमारा बी है, तो इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो ये वेक्टर होगा, बात समझ रहे हो क्या? वो भाई इसी को मैं कहता हूँ पैरेललोग्राम, मेरे इसी को मैं यहाँ से पैरेललोग्राम काउंट करूँ, बात समझ रहे हो? ये वेक्टर है, इसको मैंने कहा ओ ए बी सी, बात समझ रहे हो? ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और जो हमारा ये सम आया, ये या इसकी वैल्यू आई, जो डायगोनल ओबी की वैल्यू आई, डायगोनल ओबी की वैल्यू आई वो आती है ए प्लस बी, बात समझ में? यह इसका सम होता है, किसी भी दो वेक्टर का क्या होता है, सम होता है। मैं पैरेललोग्राम बता दिया, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल मैंने कहा कि ये वेक्टर कोई ए है और ये वेक्टर कोई ए है, ये वेक्टर कोई बी है,
इसको इसको मैंने वो दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, बी मिला दिया, बात समझ लो। तो ये ओ बी इसकी भी वैल्यू ए प्लस बी, बात समझ रहे हो क्या? ट्रायंगल पहले होगा हम लोग दो ही रूल होते हैं ऐड करने, मतलब कोई दो वेक्टर हमें दिया हुआ है ए और बी, उनका सम क्या होगा? ए प्लस बी। ध्यान देना कम्यूटेटिव लॉ ये जो है वेक्टर का एडिशन फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पहला जो जो फॉलो करता है बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, कोई तीन वेक्टर हमें दे दिया है उनका प्लस दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ लो ये होता है एसोसिएट, ये दोनों फॉलो करता है किसी वेक्टर का एडिशन। अब मैं आपको तो बात ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स था, मैं बात कर दूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जो सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्केलर इन वेक्टर्स। बात समझ रहे हो? मैंने कहा कोई हमारे पास स्केलर m है, मैंने वेक्टर a में जो है इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, m को a से a में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो m इंटू a वेक्टर हो जाएगा। इसको मैं ले सकता हूँ a इंटू m वेक्टर, तो a वेक्टर इंटू m। बात समझ रहे हो? दूसरा रूल मैं ऐसे ऐसे बताते चल रहा हूँ आपको, पहले ही मतलब स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें तो वो पूरे वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ देखता हूँ दूसरा जाएगा। मैंने कहा कि दो वेक्टर, मैंने दो स्केलर अगर ले लिया, मैंने कहा कि एम एन एन एम एन दोनों हैं, तो एन ए हो गया, इसी को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एम वेक्टर ए, इसी को लिख सकता हूँ एन एम वेक्टर ए। बात समझ रहे हो क्या? स्केलर को स्केलर के तरीके हम यूज कर सकते हैं। तीसरा मैं अगर इसी में दिखाऊँ, मैंने कहा कि दो वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी हैं और मैंने कोई स्केलर m से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर, कोई स्केलर है m है। बात समझ रहे हो क्या? इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, मतलब मल्टीसिटी स्केलर का जो है अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ। बस मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंट टाइप के वेक्टर की। अगर मैं पहली बात करूँ, मैं पहली बात करता हूँ नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या होता है देखो, अब मैं बात करता हूँ किसकी, नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका टर्मिनल, जिसका इनिशियल पॉइंट, मैंने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपको बताया था, तो वहाँ पे इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट बताया, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक होता है, एक होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है, वो होता है हमारा नल वेक्टर। क्या नल वेक्टर? इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसी को क्या बोला जाता है, जीरो वेक्टर। मतलब इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, सेम मतलब एक ही होता है, वो क्या होता है, नल वेक्टर, इसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई थी, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम बात करने की बात करूँ जिसको जो है जीरो वेक्टर से डिनोट किया जाता है, ऐसे बात समझ में आई कि इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट वेक्टर की, तो नेक्स्ट वेक्टर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, यूनिट होता है, वन होता है और एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। बात समझ लो, डायरेक्शन भी एक ही होती है, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। बात समझ लो, और इसे डिनोट जो किया जाता है वो वेक्टर ए से, ए कैप ए से डिनोट किया जाता है। और कैप ए की जो वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैप ए की वैल्यू क्या होती है, कैप ए से डिनोट किया जाता है, कैप ए की वैल्यू मुझे मिलती है वेक्टर ए अपॉन, वेक्टर ए अपॉन किसी भी यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू जो मिलती है उस यूनिट वेक्टर और उसके अपॉन जो है उसका मैग्नीट्यूड, वो होता है यूनिट वेक्टर। आज समझ में आया, किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना है किसी वेक्टर से, ठीक है। तीसरी बात करता हूँ मैं, तीसरी बात मैं करूँगा जो आपको लीनियर वेक्टर की करता हूँ। क्या होता है ये देखो, कोई दो वेक्टर को लीनियर होंगे, मैंने कहा ए और कोई वेक्टर ए और कोई बी है, दो वेक्टर हमारे पास, दो वेक्टर को लीनियर तब होंगे जब दोनों जो है पैरेलल, मतलब लाइन सेगमेंट के, लाइन सेगमेंट जो हमारे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल, का ये कोई वेक्टर है तो ये कोई वेक्टर भी, ठीक है, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। इन्हें पैरेलल वेक्टर भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और सुनो, इन्हीं को
अगर ये सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब वो जो वैल्यू वो होता है उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइक, पैरेलल अलाइक वेक्टर्स, अलाइक वेक्टर्स। अगर वेक्टर और इनका डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है तो अनलाइक वेक्टर्स। बात समझ में आती है? ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं इसलिए मैं ऐसे बता रहा। ऐसे कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में रहता है, ठीक है? तो यही रहता है यार, कुछ है नहीं। चौथा जो हम बात करते हैं कोप्लेनर की बात, इक्वलिटी हमने कल बताई दी है आपको, सॉरी इक्वलिटी मैंने बताई चुकी है इससे पहले वाले निकल के आप बता चुका पहले। कोप्लेनर होता है, कोप्लेनर क्या होता है, कोर्ड जो होता है ना भाई, मैंने जो सपोर्ट बताया स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड सेगमेंट ऐसे यहाँ पे वो पैरेलल है तो ठीक है। तो ऐसे कोप्लेनर क्या होता है, तो वही सपोर्ट कोल वेक्टर ए और कोल वेक्टर बी है, अगर ये पैरेलल है एक ही प्लेन में, मैंने कहा ये कोई एक प्लेन है इसी पर जो हमारे दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल है एक ही प्लेन में, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। और ध्यान देना कोई दो वेक्टर जो है कोप्लेनर होते ही, कोई दो वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, ये थी हमारी पूरी कहानी, ठीक है? अब चलते हैं आगे। यही मैं बात करता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर की, यही बात करता हूँ इसकी पोजीशन वेक्टर। देखो क्या होता है पोजीशन वेक्टर, मैंने कहा ये कोई हमारा ले लिया मैंने एक्स, हमारा वो है ओरिजिन है, मैंने कहा ये कोई वेक्टर हमारा बी है, ये कोई वेक्टर हमारा ए है, ठीक है? ये कोई वेक्टर हमारा ए है, ये कोई वेक्टर हमारा बी है, ये जो ये वेक्टर है और ये ए और बी हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, मैंने ए और बी कह दिया, ओ ए और ओ बी क्या है हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो बी माइनस ए होगी, क्या होगी बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी बी माइनस ए, ठीक है? यहीं पर मैं बात करूँ सेक्शन फार्मूला का, अगर सेक्शन फार्मूला क्या होगा, जब सेक्शन फार्मूला मतलब अगर किसी जैसे इसी ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करते हैं, एम रेशियो एन में डिवाइड करते हैं, सेक्शन फार्मूला हो जाएगा हमारा एन ए, जो सेक्शन फार्मूला हमारा आएगा, जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसके जो सेक्शन फार्मूला से थ्रू आएगा एन ए, एन वेक्टर ऑफ ए प्लस एम वेक्टर ऑफ बी अपॉन एम प्लस, सेक्शन फार्मूला क्या आएगा एन वेक्टर ऑफ ए प्लस एम वेक्टर ऑफ बी अपॉन एम प्लस, ठीक है? सेक्शन फार्मूला निकाल इसी पोजीशन वेक्टर्स, ए और बी हमारे क्या है पोजीशन वेक्टर्स, क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है? किसी भी पॉइंट से अगर हमें क्या करें सेक्शन फार्मूला भी निकालना है, एन वेक्टर ऑफ ए प्लस एम वेक्टर ऑफ बी अपॉन एम प्लस, क्लियर? आगे मैं यहाँ पे थोड़ा सेक्शन फार्मूला भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इसका यूज होगा, दिखा देता हूँ आपको सेक्शन फार्मूला, ठीक है? सेक्शन फार्मूला में वही दो डिवीजन की बात करेंगे हम, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन की, ठीक है? सेकंड लॉ का एक्सटर्नल डिवीजन, देखो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, मैंने कहा कोई हमारे दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक ए और एक बी, ठीक है? और कोई पॉइंट हमने सी ले लिया और उसका मैंने दे दिया कोऑर्डिनेट आर, ये वेक्टर आर है, बात समझ रहे हो? और उसे वो जो है वो पॉइंट क्या है इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसे बी वेक्टर को, जहां पे ए और बी हमारे क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है? तो ये जो ओसी का फॉर्मूला होता है, ओसी वेक्टर का मतलब आर वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आता है फिर हमारा एम ए, अगर मैंने कहा कि एम इंटू एन में डिवाइड कर रहे हैं एन इंटू ए वेक्टर, एन इंटू ए वेक्टर, एम और एन रेशियो में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, बात समझ रहे हो? m into n तो a n into a vector plus m into b vector upon m plus n, बस समझ में जब मैं internally division की बात करूँ externally division की, मैंने कहा ये हमारे a और b हैं कोई point, ठीक है? a और b vector हैं, मैंने कहा ये कोई point है जिसे मैंने C नाम दिया R वेक्टर दिया, ये इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब मैं कहूँ कि इसे इस पूरे को M में यहाँ A से लेकर और B से लेकर N में डिवाइड कर रहा है, मतलब M अपॉन N रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बात समझ रहे हो? मैं अगर इसको ऐसे मिलाना चाहूँ
ये हमारा ओ, ये एक्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी, आर वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, एम इंटू बी, एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस, जब एक्सटर्नली की बात करूँगा। क्लियर हो गई इसकी बात, ये मैंने सेक्शन फॉलो करा दिया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, चल जाए, देखो अब मैं बात करूँगा जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मैंने कहा ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, बी कोई पॉइंट बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इससे कोई लाइन पास हो रही है। ठीक है, ए और बी दोनों वेक्टर से लाइन पास हो रही है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बताइए, पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट दो है, मैंने कहा ये कोई पॉइंट जो मैंने ले लिया सी ले लिया, इसे मैं बोल दे रहा हूँ आर, बोल दे क्या बोल दे रहा हूँ आर ऐसे। तो ध्यान देना, पहले इक्वेशन की बात करते हैं, जब किसी दो वेक्टर से होकर, किसी दो वेक्टर से होकर कोई लाइन पास होती है, मैंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी से लाइन पास होती है, तब मैं इनके जो इक्वेशन की बात करूंगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करता हूं, तब वो पैरामीट्रिक इक्वेशन आता है हमारा, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें मिलता है, मतलब इसकी जो वैल्यू मिलती है वेक्टर आर की, इसी वेक्टर आर की, ठीक है, इसको सी के आर से डिनोट करते हैं, इसी वेक्टर आर की जो वैल्यू मिलती है, यही पैरामीट्रिक इक्वेशन का मैं क्या करता था, पैरामीट्रिक इक्वेशन वहां पे डायरेक्ट लिखता था जब स्ट्रेट लाइन सर्कल की बात किया था ये सब। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे सुनता पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है आर इक्वल टू हमें मिलता है, जो वो मिलता है वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर प्लस टी, कोई हमारे क्या है पैरामीट्रिक कॉन्स्टेंट है, टी क्या है पैरामीट्रिक कॉन्स्टेंट है जो हमें मिलेगा, टी बी माइनस ए, बी माइनस ए जब ए और बी दोनों से पास हो रही है, तब बात समझ में आएगा। मैं बोलूं कि अगर सिर्फ ए से होकर जा रही है, सिर्फ ए वेक्टर से होकर जा रही है और ए वेक्टर के पैरेलल है वेक्टर बी, मतलब कहने का मतलब ये कोई वेक्टर हमारा ए है, ये पॉइंट ए है, वेक्टर ए है, इससे होकर लाइन पास हो रही है, ये वेक्टर आर है हमारा और ये वो वेक्टर है, और मैंने कहा कि ये कोई बी वेक्टर है जो ए के पैरेलल है, तब जो पैरामीट्रिक इक्वेशन की वैल्यू आती है आर इक्वल टू आती है वेक्टर ए प्लस, वेक्टर ए प्लस टी बी, बी क्या है ए के पैरेलल, तो बी माइनस ए नहीं हो, क्यों यहाँ पे बी माइनस ए की वैल्यू हमें क्या था इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या है क्या बी, वो बी हमारा उसका डिफरेंस बी माइनस ए, वहां पे जब मैंने बताया था तो वहां पे जब अरे पोजिशन वेक्टर बताया था तो बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन, जहाँ पे टी क्या है हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्लियर, सॉरी पैरामीट्रिक कॉन्स्टेंट, क्लियर। जब ए उन दोनों से होकर जा रहे तो ये रहेगा, और जब एक से होकर जा रही है और उसका उसके पैरेलल ये है देन ये, ठीक है, इक्वेशन पैरामीट्रिक, ये था पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात किया। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या, उसी लाइन पर जैसे क्या करते थे कोनिक में क्या करते थे, उसी पर हम कोई पॉइंट लेते थे और उसी का इक्वेशन निकालते थे उस फॉर्म में, तो ये यही वैल्यू है आर की, वैल्यू क्या है वेक्टर ए प्लस टी बी माइनस ए, कोई पैरामीट्रिक फॉर्म हमने ले लिया, मैंने कहा कि पैरेलल है तो ये कह दूं, अगर मैं कहना मैंने कहा किसी प्लेन में कोई दो वेक्टर अगर मौजूद है तो बात वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल, अगर ऐसा केस नहीं होता है ना तो इंटरसेक्ट करते हैं ना तो पैरेलल है वो, तो वो जो लाइंस होंगी वो स्क्यू लाइंस होंगी, ऐसी लाइन कहलाएंगी स्क्यू लाइंस, कौन सी लाइन कहलाएंगी स्क्यू लाइन कहलाएंगी। ठीक है, ये था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इतनी बात क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। तीन पॉइंट कब कोलिनियर होंगे वो कंडीशन बताता है,
मैंने कहा कोई, मैंने तीन पोजीशन वेक्टर्स ले लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। बात समझ रहे हो? ये बी प्लस सी होगा। बात समझ रहे हो क्या? ये वेक्टर है। इतनी बात क्लियर हो? ठीक है, ए बी सी क्या हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये पहली कंडीशन, ये कब होंगे, वो लिनियर कब होंगे, ध्यान देना। पहले तो हम इन्हें, मैंने कहा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की वैल्यू हमें दी हुई है, जिसके आई जे के फॉर्म में देगी। वेक्टर ए जो है लिखा जाएगा ए वन आई प्लस ए टू जे, ऐसे ही लिखा जाता है, प्लस ए थ्री के। बात समझ रहे हो क्या? आई जे क्या क्या हमारे यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यही ऐसे देगी। तो ध्यान देना, ए बी सी कोलिनियर तब होंगे जब मैंने कहा कोई इक्वेशन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी मैंने बनाया, ये इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मेरा बना, तीनों वेक्टर को हमने साथ लिया। अगर इस इक्वेशन में, ऐसे इक्वेशन में बनाऊंगा जो हमें दी रहेगी वैल्यू, ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, एम प्लस एन, कुछ एम एन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ये हमारे ऐसे कर एक्स वाई जेड यहाँ पर। तो तीनों अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, इन्हीं तीनों की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी, अगर तीनों अगर प्लस करने पर, ऐड करने पर जीरो आ जाते हैं तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू, ए वेक्टर ए की भी, वेक्टर बी की भी, वेक्टर सी की, तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू ऐड करने पर जीरो हो जाती है, जहां पे ये तीनों जो है एक साथ जीरो ना हो, एक्स वाई जेड जो है जीरो ना हो, नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। मतलब अगर एक्स वाई जेड तीनों को जीरो है, अगर इस पर आप पुट कर दो तब भी जीरो वैल्यू आएगी, तो कोलिनियर नहीं है। इनके अलावा, जीरो के अलावा, अगर जब इनको पुट करने, मैंने कहा टू माइनस वन और माइनस वन मैंने रख दिया, तो मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर आ गया x की वैल्यू y और z की वैल्यू, x की वैल्यू का मैंने टू आ गई, y की वैल्यू माइनस वन, z की वैल्यू माइनस वन, तो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो के अलावा ये कंडीशन अगर होती है तो तीनों पोजिशन वेक्टर्स क्या होंगे हमारे, ए और बी, ए बी सी क्या है, पोजिशन वेक्टर्स, कोलिनियर। दूसरी कंडीशन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी से हम उनके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल कर, जो है वेक्टर सी में अगर कोई तीन वैल्यू, कोई दो वेक्टर से हम उनकी वैल्यू निकाल कर उसमें अगर थर्ड वेक्टर में पुट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि वेक्टर क्या हमारा, बोल तीनों वेक्टर क्या है, बोल। इतनी बात क्लियर हुई? ध्यान देना, मैंने कहा कि तीन पॉइंट कोई ए बी सी है वो कोलिनियर कब होते हैं, जब ए बी इक्वल टू हो जाता है लैम्डा बी से। ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा बी से। मतलब ए, ये कोई ए बी सी है, मैंने कहा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी, इसकी वैल्यू जो है ए बी, ये हमारा होगा लैम्डा बी सी, मतलब ये कोई पॉइंट हो गया, दो गुना होगा, तीन गुना, जो तो लैम्डा की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, तो कॉन्स्टेंट उसके ऊपर डिपेंड है, तो यही बता रहा हूँ एबीसी का कोलिनियर, ठीक। ये थी पूरी कोलिनियरिटी, किसी तीन वेक्टर का, कोई तीन वेक्टर हमारे कब कोलिनियर होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ वेक्टर की, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है। पहला जो मैं बात करूंगा, एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, उनकी बात करूंगा। मैंने कहा मुझे स्केलर प्रोडक्ट चाहिए किसी दो वेक्टर की, मैंने कहा दो वेक्टर हमें दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो दो वेक्टर मुझे मिले हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैं बोलूं इनका स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट आता है वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ध्यान देना ए डॉट बी इज इक्वल टू, मैं दिखा नहीं पाऊंगा प्रूफ कैसे है, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी ये स्केलर प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, या इसी को बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। बात समझ रहे हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आती है, वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या, ए और इसके ये मैग्नीट्यूड है, ए और बी। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बात समझ में? थीटा की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक रहेगी, जीरो से लेकर इसकी वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो पाई तक रहेगी,
बात समझ में। थीटा की अलग अलग वैल्यू पर हम देख लेते हैं अलग अलग क्या होता है। ध्यान देना, किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं। मतलब मैंने कहा इसी को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए को ए वन आई आई जे के होता है। मैं पहले बता ए वन आई यूनिट वेक्टर, आई जे के क्या है हमारे यूनिट वेक्टर है, ए टू जे प्लस ए थ्री के। बात समझ में आई। यहां पर मैं बात करूं आई जे के की तो डॉट प्रोडक्ट में ध्यान देना आई डॉट जे प्लस अगर मैं कहूं आई जे के ये है ऐसा सकता है आई डॉट जे जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई की जो वैल्यू होती है जीरो होती है डॉट प्रोडक्ट में। अगर मैं सेम की बात करूं तो सेम यहां पे आई डॉट आई वेक्टर यूनिट वेक्टर जे डॉट जे प्लस के डॉट के यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वन होती है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं थीटा की बात करूं तो थीटा कहां से लेकर जीरो से लेकर आई के अंदर बिलोंग करेगा। बात समझ में। मैं बात करूं अगर थीटा की वैल्यू अगर जीरो होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है जीरो, थीटा अगर इफ थीटा इज इक्वल टू अलग अलग थीटा इज इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा ए बी यही मिलेगी क्या ए बी मिलेगी। बात समझ में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है, मतलब थीटा क्या अगर ए और बी क्या है दोनों पैरेलल है, तब जो ए डॉट बी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी जीरो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थीटा की अलग अलग वैल्यू पर जीरो पे दिखा दिया और 90 पर दिखा दिया। 90 कब? जब ए और बी दोनों पैरेलल हो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तब जो ए डॉट बी की वैल्यू उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा जो एक दूसरे का वो जीरो होगा। यहाँ से दिखा दिया, क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है ना? और यहाँ ध्यान देना ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं होंगे, ये जीरो हो जाएंगे तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं होंगे इस केस में, ध्यान देना वेक्टर ए और वेक्टर बी को जीरो वेक्टर मत बना देना, ठीक है? ये ध्यान रखना। मैं बात करूं यहां पर और तो हाँ देख लेते हैं, मैंने कहा कि अगर यहीं पर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इन दोनों को करना चाहूं तो इनकी वैल्यू आएगी वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर। बात समझ में। इतनी बात, ये जो है दो रूल फॉलो करता है, एक तो करता है कुमुलेटिव ये दो रूल फॉलो करता है, फर्स्ट कम्यूटेटिव वो क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और दूसरा जो फॉलो करता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब मैंने कहा ए डॉट बी प्लस सी है, ये हो जाएगा ए बी डॉट ए बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मैं बात करूंगा प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू होता है किसकी प्रोजेक्शन, मतलब पर्चे ए की जो है प्रोजेक्शन वो बी के ऊपर क्या होता है वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होता है ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का क्या मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसके ऊपर है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला गया वो उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बात समझने, ये थी मैंने बात की किसकी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आई थी। यही मैं बात करते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी की, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने कहा फाई अगर एंगल है इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर होते हैं कॉस फाई की वैल्यू आती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होती है फाई। फाई की वैल्यू कहाँ से थीटा से जीरो से लेकर फाई की वैल्यू कहाँ से फाई तक बिलोंग करें। बात समझ में।
एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर फाई है तो फाई की कॉस फाई की वैल्यू होती है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इनटू मॉड, ठीक है। मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ और दो तीन रूल की बात करता हूँ। मैंने कहा वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के और बी इज इक्वल टू दिया है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, देन ए डॉट बी की वैल्यू जो होगी यहीं से देख लेंगे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री, ठीक है। मैं बात करूँगा इनके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा जो वो आएगा रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री, यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करूँगा तो वो आएगा रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस ए। बात क्लियर, समझ में आ गई। यहीं पे बात कर लेते हैं ऐसे फॉर्मूला। मैंने कहा कि अगर मैंने बोला कि वेक्टर ए ये भेज वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू ए डॉट बी कॉस ए डॉट बी ए बी आई ए बी कॉस बी, ये लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट की बात में कर रहा हूँ, फिर ए वेक्टर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ऐसे में बात करूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तीनों का वेक्टर, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला मतलब जनरली मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की पूरी बात कर दी, ठीक है। एंगल बता दिया और आई जे के यूनिट वेक्टर्स बता दिए, प्रोजेक्शन बता दिया, क्लियर। आगे चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जिसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी कहानी खत्म हो जाएगी वेक्टर, ठीक। आगे चलते हैं क्या बात करूंगा सेकंड की, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी तक हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात किया, वेक्टर प्रोडक्ट की बात, मैंने कहा कोई वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी, ठीक है। मैंने ये कोई वेक्टर ए कह दिया, ये कोई वेक्टर बी कह दिया और ये एक प्लेन में है, इसमें एक प्लेन में ये कोई हमारा प्लेन, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है थीटा है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है और एक इस पे यूनिट वेक्टर जो है जो इन दोनों के पैरेलल है, जो इन दोनों के पैरेलल, मैंने कहा ये कोई यूनिट वेक्टर है जो दोनों के पैरेलल है वो एन दिया हुआ, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वो आता है वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर है वो साथ में रहेगा ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ एन, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कहानी उल्टी होती है सब कुछ, मैं बात करूंगा डॉट और क्रॉस में रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान देना ए प्लस सॉरी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है इनडिटर्मिनेंट ए डॉट ए डॉट बी बी डॉट ए बी डॉट बी, ये क्रॉस और इसमें डॉट में रिलेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? जैसे मैंने कहा कि वहां पर क्या होता है, वहां पर वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बात समझ, मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या करेगा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, बात समझ में आई, ये होता है। मैं बात करूँ थीटा की वैल्यू पर, तो इनकी वैल्यू ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। मैंने कहा थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तब ध्यान देना ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो है मतलब कोलिनियर है या पैरेलल दोनों वेक्टर्स, ठीक है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। ध्यान देना यहाँ पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक साथ जीरो नहीं होंगे, एक वेक्टर बी ए और वेक्टर बी एक साथ जीरो नहीं होंगे, तभी ये है,
ठीक है, जीरो हो जाएंगे तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है उनका, ठीक है। इतनी बात समझ गए, मैंने बता दिया कि ये क्या कम्यूटेटिव नहीं होते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं। मतलब मैंने कहा ए क्रॉस बी प्लस सी दे दिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं बता दे रहा हूँ, प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं ये, कम्यूटेटिव नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा कोई स्केलर मैंने एम दे दिया और ए क्रॉस बी में हमें मल्टीप्लाई करना है, एम को हम चाहे बी में मल्टीप्लाई कर दे चाहे ए में कर दे या एक साथ ही कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने कहा एम वेक्टर को मुझे ए क्रॉस बी में मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसके इक्वल ये भी होगा एम वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, ये भी होगा। और इसको ऐसे ले लो ए क्रॉस वेक्टर ऑफ एम वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है सर वेक्टर, ये जितना में ये क्रॉस है क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूँ रियल वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी मैंने कहा कि हमें कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, इतनी बात का नहीं खत्म हुई जिसको हटाते हैं। मैंने कहा कि दो वेक्टर हमें दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू हमें दी हुई है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी की वैल्यू दी हुई है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। यहाँ पर आई जे के यूनिट वेक्टर में तीनों जैसे डॉट में था उसका उल्टा होता है, मैंने कहा इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं यहाँ से आई जे के को ऐसे फॉर्म में लिख दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आई डॉट जे की आई क्रॉस जे की जो वैल्यू होती है वो के इक्वल होती है, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या ऐसे चलता है राइट, वो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्या होगा, ये क्या हुआ एंड क्लॉकवाइज, ठीक है क्लॉकवाइज चलता है आई क्लॉक ही वाइज है ना, हाँ क्लॉकवाइज, ठीक है। आई क्रॉस जे की वैल्यू के की यूनिट वेक्टर ऑफ के, मैंने कहा जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी आएगी आई की, के क्रॉस आई की वैल्यू क्या आएगी आई के और उसके जे वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ जे की वैल्यू। अगर ये उल्टा होता है तो माइनस हो जाएगा, मैंने कहा जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के माइनस यूनिट यूनिट वेक्टर ऑफ के, के क्रॉस जे की वैल्यू तो माइनस यूनिट यूनिट वेक्टर ऑफ माइनस माइनस आई, तो आई यूनिट वेक्टर ऑफ आई इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ आई क्रॉस यूनिट वेक्टर ऑफ के इक्वल टू माइनस के माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ जे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है जीरो, क्या होती है जीरो, ध्यान देना। अब मैं बात करूँ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट में फॉर्म में लिखा जाता है, पहले हम यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं आई जे के, ठीक है, फिर इनके कोफिशिएंट को हम लिखते हैं, जो पहला है उनको पहले सेकंड वाले लिखते हैं ए वन ए टू ए, फिर बी का जो है कोफिशिएंट बी, ये होता है हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यूनिट वेक्टर ऑफ जो एन है, यूनिट वेक्टर एन जो है, ये यूनिट वेक्टर एन की जो वैल्यू होती है इसकी वो आती है हमारी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाला है उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर ऑफ एन की वैल्यू आती है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ एन की वैल्यू। बचा क्या थीटा, एंगल भी देख लेते हैं दोनों में, एंगल के ए और बी के बीच एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है भाई, जैसे वहां पे डॉट निकाला फिर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारी इन दोनों के बीच के एंगल की वैल्यू, एन आ गया साइन थीटा आ गया ए बी सबकी वैल्यू, ए की वेक्टर है ये वेक्टर मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ही बताया था रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, इतना मैंने बताया था, ठीक है। कहानी सवाल खत्म हुई इतनी कहानी खत्म हुई, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा एरिया की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि कोई तीन पोजिशन वैक्टर हमें दिए हुए हैं, कोई तीन पोजिशन वैक्टर हमें दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है, और मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो वो होगा हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट है ये,
अगर ये तीनों इनकी इसकी वैल्यू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू जीरो हो जाती है तो समझ लेना कि क्या है, तीनों पॉइंट हमारे तीनों वेक्टर्स क्या है हमारे कोलिनियर, ठीक है, ट्रायंगल की एरिया अगर जीरो हो जाती है तो क्या है हमारे तीनों पॉइंट तीनों पोजिशन वेक्टर्स क्या है हमारे जीरो, मतलब ये कोलिनियर है जीरो नहीं कोलिनियर, क्लियर। मैं बात करूं अगर क्वाड्रिलेटरल की जिसका डी वन और डी टू वो है डायगोनल है तो उसका हाफ मॉड ऑफ डी वन क्रॉस डी टू, डी वन डी टू का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो और हाफ से क्या मल्टीप्लाई टू आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी जैसे ट्राइंगल का वो दिया है ए और उसका वो, तो ए क्रॉस बी का वो निकाल लो आप प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो उनको हाफ से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू आ जाएगी ट्राइंगल की, वैसे भी निकाल सकते हैं जब ए और बी है तीन पोजिशन वेक्टर्स दिए हैं तो ऐसे निकाल, मैंने कहा दो पोजिशन वेक्टर दिए हैं तो हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल का था, क्वाड्रिलेटरल के इसके डायगोनल डी वन और डी टू, ठीक है। ये थी पूरी कहानी किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस क्या था डॉट और वेक्टर में, उसमें स्केलर और वेक्टर में, वहां पे ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा आई, यहां पर ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन आया, जहां पे यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू क्या हुई दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का मॉड जो होगा वो क्या होगा, मैं प्रूफ तो नहीं कर पाया लेकिन दिखा दिया आपको, उनका जो वैल्यू होगा उसी में डिवाइड मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। वहां पे कॉस थीटा की वैल्यू थी जो मैं एंगल निकालना था दोनों के बीच में, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला गया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू, ठीक है। तो ये था वैल्यू पूरा यही कहानी थी, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री ऐसे मिलते हैं। मैं बात करूं आई डॉ ये बने आई क्रॉस जे, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा इसकी बात बता दिया, मैं बात किया था क्या रिलेशन की बात किया था डॉट और क्रॉस में, तो क्या ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट ए, फिर जो हमारा फोर्थ हो उसका वो होगा सेकेंड में जो लास्ट हमारी एलिमेंट होगा बी डॉट वो होता है रिलेशन, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। ये थी पूरी कहानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, थोड़ा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं फिर हमारी पूरी वेक्टर्स की कहानी खत्म, सीधे हम थ्योरी इसकी खत्म करते हैं, फिर हम 3D देखेंगे, 3D का लेक्चर देखेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर 3D पे होगा, फिर 3D का लेक्चर देखने के बाद इसमें थोड़ी दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके हटाएंगे, ठीक है, देखते हैं। देखो यही पे बात कर देता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, किसकी बात कर देता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, देखो मैंने कहा बताया आपको कि जो लाइन इंटरसेक्ट ना करें और पैरेलल भी ना हो तो वो लाइन हमारी स्क्यू लाइंस कहलाती है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्लेन में, ठीक है। मैंने कहा ये प्लेन कोई है ये ए और यहाँ पे कोई वेक्टर ए ले लिया, यहाँ पे कोई वेक्टर बी ले लिया, और जो वेक्टर ये वेक्टर है वो पोजिशन वेक्टर बी है और क्यू, ठीक है। जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जैसे डायरेक्ट देख लो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एफडी इज इक्वल टू आता है पी क्रॉस क्यू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू बी माइनस ए जिसके ऊपर पेंडिकुलर, मैंने कहा कि ये डाला हुआ है, ठीक है, जो लेंथ डाला हुआ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए वेक्टर होता है अपॉन इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट या क्या मैग्नीट्यूड। एफ डी का फॉर्मूला आता क्या है पी क्रॉस क्यू इंटू बी माइनस ए अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, फिर उन पूरे का मैग्नीट्यूड उस पूरे का मैग्नीट्यूड वो होता है एफडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मैंने कहा ये दो लाइन दी हुई है जिसका पी और क्यू दिया हुआ है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू है, ठीक है, और उनके बीच उनके जो उनपे स्थित पोजिशन वेक्टर है ए और बी, ठीक है, तो वो उनका जो एफडी का फॉर्मूला होगा उन दोनों के बीच का पी क्रॉस क्यू उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू बी माइनस ए दोनों का सब्ट्रैक्शन फिर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड पी क्रॉस क्यू का फिर उन सब का ऊपर टोटल का मैग्नीट्यूड एफ डी का, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया वेक्टर पूरा कंप्लीट किया, बचा क्या 3D को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वेक्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ 3D देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हो सके वहीं पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो
आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक, बाय, थैंक यू।